हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ज्ञान। हम सब लोगों को पता है कि गोल सेटिंग कितना इम्पोर्टेंट है अपने गोल्स को सही में अचीव करने के लिए। काफी बार लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि वो अपने गोल्स नहीं अचीव कर पा रहे हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारे गोल्स क्या हैं, उनको तो वो भी नहीं क्लियर होता है। काफी लोगों को ये पता तो है कि गोल सेट करना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कैसे गोल सेट करना चाहिए उनको अचीव करने के लिए। अगर आप गलत तरीके से गोल्स को सेट करेंगे तो आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप स्मार्ट गोल्स कैसे सेट कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट वर्ड एक शॉर्ट फॉर्म है जो आपको बताता है कि आपको किस तरीके के गोल्स सेट करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है S for specific। काफी बार जब आप लोगों से उनके गोल्स पूछिए तो वो आपको कुछ एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। वो कहेंगे कि यार मैं एक दिन बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ, या बोलेंगे कि मुझे वेट कम करना है, या मुझे अपनी इनकम बढ़ानी है। ये गोल्स स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उन गोल्स को अचीव करने का मतलब क्या है। आपको एक एक डिटेल पता होनी चाहिए उस गोल की। फॉर एग्जाम्पल, ये काफी नहीं है सिर्फ बोलना कि मुझे और पैसे कमाने हैं। आपको एकदम एग्जैक्टली लिखना चाहिए कि कितने पैसे कमाने हैं। आप लिखिए कि मुझे 10 लाख रुपए इस साल कमाने हैं। कैसे? टी शर्ट बेच के? किसके साथ? कहाँ? इन सारे सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। जितना स्पेसिफिक होंगे आप अपने गोल के बारे में, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके उस गोल को अचीव करने के। नेक्स्ट है M for measurable। measurable गोल का मतलब होता है कि आप उसको मेजर कर सकते हैं कि आप कितनी दूर हैं उस गोल से, और आप देख सकते हैं कि आपने उस गोल में कितना प्रोग्रेस किया है, आप कितना आगे बढ़े हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। काफी लोगों का गोल होता है वेट लॉस। अब बताइए मुझे कितना वेट, 5 kg, 10 kg, आप इसको मेजर कैसे करेंगे? आप एक वेइंग मशीन यूज करेंगे या आप टेप मेजर यूज करेंगे? अपना गोल मेजर करना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। अगर आपका गोल मेजरेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे और खुश होना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप पिछले साल से और खुश हैं या नहीं? इसीलिए आपको इस गोल को तोड़ के उसको मेजरेबल बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपना गोल और खुश रखने की जगह अपना गोल रखिए कि मुझे रोज 10 मिनट मेडिटेट करना है और मुझे 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि साइंस ने दिखाया कि ये दोनों चीजें करके आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं कि आप रोज ये दोनों चीजें कर रहे हैं या नहीं, और आपको पता चलेगा कि आप अपने गोल के पास बढ़ रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है A for attainable। क्या आप अपना गोल सही में अचीव कर भी सकते हैं, या वो इतना बड़ा है कि आपका कोई चांस ही नहीं है उसको अचीव करने का? काफी लोग ऐसा गोल रख देते हैं कि मुझे बिलियनेयर बनना है। अब इसको अपना गोल रखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी कुछ भी पैसे नहीं है तो ये आपके लिए इतना बड़ा गोल हो जाता है कि आप इसके लिए काम करेंगे ही नहीं। मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में एक चीज बताता हूँ। जिस तरीके से हम लोगों का दिमाग काम करता है, हम लोगों के अंदर मोटिवेशन तभी पैदा होता है अगर हम लोगों को लगता है कि असली में कोई चांस है उस गोल को अचीव करने का। तो अगर आप एक इतना बड़ा गोल रख दें कि मुझे एक बिलियनेयर बनना है, तो हाँ आपको उस टाइम तो अच्छा लगेगा ये सोच के कि मैं एक दिन बिलियनेयर बन जाऊंगा, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में प्रूफ ही नहीं देखेंगे कि आप ये गोल अचीव कर सकते हैं, तब आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहला गोल रखें 1 लाख कमाने का, तो आपको पता है कि आप ये कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें। इससे आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, और जब आप ये अचीव कर लेंगे तब आप सोच सकते हैं कि यार मैंने 1 लाख कमा लिया तो मैं 10 लाख भी कमा सकता हूँ। इसी तरीके से आप और आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने गोल्स बड़े कर सकते हैं। नेक्स्ट है R for relevant। अब ये वो टाइम है जब आपको अपने आप से सही में पूछना चाहिए कि क्या मेरे लिए ये गोल सही है या नहीं, या सिर्फ ये ऐसा गोल आपने बना लिया अपने पेरेंट्स की वजह से या अपनी सोसाइटी की वजह से, जो आपको लगता है आपका गोल होना चाहिए लेकिन दिल से आपको ये नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ एक जॉब करनी है और आपको कंफर्टेबल लाइफ रहनी है, तो क्या सही में आपका गोल होना चाहिए एक बिजनेस शुरू करने का, या आप सिर्फ एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं क्योंकि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज चल गया है और आपके सारे दोस्त इसी चीज के बारे बात कर रहे हैं? इसी तरीके से अगर आपका सपना है पूरी दुनिया बदलना एक ग्रीन एनर्जी बिजनेस शुरू करके, तो क्या सही में आपको अपनी कंपनी में प्रमोशन का गोल रखना भी चाहिए, या आपको वो एनर्जी अपने बिजनेस की तरफ काम करने में लगानी चाहिए? तो जरूर ये सोचिए कि आपका गोल आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं। और लास्ट पॉइंट है टी फॉर टाइमली। आपको एक डेडलाइन सेट करनी होगी कि कब तक आप अपना गोल अचीव करेंगे। सिर्फ काफी नहीं ये बोलना कि मुझे 5 kg कम करने हैं, आपको बोलना होगा कि मुझे 5 kg अगले 2 महीने में कम करने हैं, या मुझे 2 नए गाने सीखने गिटार पे अगले 1 महीने में।
बार बार साइकोलॉजी में ये देखा गया है कि लोग और ज़्यादा मेहनत करते हैं जब उनके पास एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है। तो अपने लिए एक टाइम सेट कर लीजिए कब तक आप अपना गोल अचीव करेंगे और उस हिसाब से काम करिए। तो ज़रूर याद रखिएगा कि अगली बार जब आप एक गोल सेट करें तो वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रेलेवेंट हो आपकी लाइफ के लिए और उसके साथ आप एक टाइम की डेडलाइन सेट कर रहे हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के वीडियोस के लिए। आप उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरे कोई भी फ्यूचर में वीडियोस ना मिस करें। और हाँ, इस संडे को मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पे मैं बुक समरी बनाऊंगा फेमस बुक की द अल्केमिस्ट, तो ज़रूर उसको मिस ना करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।